गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ कुछ नए सिद्धांत लेके। टॉपिक हमारा वही करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। इसमें आज हम एक नया चीज आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ये एक सवाल ऐसा है जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। ये आपको फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। आप देखिए, यहां पर दो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है, यहां पर एक ओम की रेजिस्टेंस लगी है और बीच में ये 3 वोल्ट का बैटरी लगा सेल लगा हुआ है। यहां पर ए से बी की तरफ एक करंट फ्लो कर रही है आई इक्वल टू 2 एम्पियर। ये चीज आपको देती है। अच्छा, अब देखिए, सपोज मान लेते हैं हम कि भाई ये करंट यहां से बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक ही जाएगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि हो सकता है ये 3 वोल्ट की जो सेल लगी है इसकी करंट इधर फ्लो कर रही हो। जब इसकी करंट इधर फ्लो कर रही होगी तो यहां से इधर की ही तरफ करंट फ्लो करेगी, न कि ये वाली करंट जो 2 एम्पियर की दी हुई है ये यहां पर फ्लो करेगी। तो इस बात का पहले तो डिसीजन किया जाए कि वास्तव में ये करंट फ्लो करेगी कि 3 वोल्ट की बैटरी की करंट फ्लो करेगी। तो देखिए, सपोज मान लीजिए ए और बी को हमने यहां पर, अगर यहां से इसको हमने यू ज्वाइंट कर दिया, अगर मैं इसको यू ज्वाइंट कर देता हूं तब इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस तो फिर सीरीज में हो जाएंगे और ये रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो ये क्या है, 2 + 1 दैट इज 3। और करंट कितनी फ्लो होगी? 3 / 3, 3 वोल्ट है यहां पर, ठीक है। तो दैट इज 1 एम्पियर आएगा। 1 एम्पियर इस बहने वाली करंट से कम है। अब देखिए, जब 1 एम्पियर कम है तो करंट कौन सी फ्लो करेगी? सेल वाली तो फ्लो करेगी नहीं, जो दी हुई करंट है यही फ्लो करेगी। एक बात तो हमारी ये तय हो गई कि भाई ये दी हुई करंट फ्लो करेगी। अब ये दी हुई करंट जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आएगी तो रुकेगी नहीं, बल्कि बैटरी के अक्रॉस चलती हुई चली जाएगी, थ्रू आउट बैटरी जाएगी और 1 ओम में से गुजरते हुए वो बी पॉइंट तक पहुंचेगी। उस वक्त ये जो सेल हमारा लगा हुआ ये चार्ज होगा, ठीक है भाई। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे ट्रिक? सबसे पहले तो ये 2 ओम की जो बैटरी रेजिस्टेंस जो लगी है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लिया हमने, ये मान लिया हमने एक्स और इसको मान लिया हमने वाई, ठीक है। इसी प्रकार इस रेजिस्टेंस का हमने मान लिया ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश पॉइंट हो गया। अब देखिए, ये एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर करंट बह रही है 2 एम्पियर की, वो इसमें 2 ओम की रेजिस्टेंस, इस 2 ओम की रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी। तो वी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट 2 एम्पियर की है तो 2 × रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ये बराबर हो गया 4 वोल्ट। यानी एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। इसको चलो इक्वेशन नंबर हमने 1 बना लिया। अब देखिए, अब हम यहां पर मानते हैं कि ये जो 3 वोल्ट की बैटरी लगी सेल लगा हुआ है इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर तो 3 वोल्ट होगा पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्ट मान ले, तभी तो इनके बीच में टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का आएगा। तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट पर है और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पर है।
अब जब ये 3 वोल्ट पर होगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये वाई पॉइंट भी 3 वोल्ट पर होगा, ठीक है, वाई पॉइंट भी 3 वोल्ट पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि अक्रॉस इसके एक्स और वाई पॉइंट पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस ये मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम लिख देंगे वी एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है भाई, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मिला है। क्या मिला है? एक्स और वाई के बीच में, तो वी एक्स माइनस वी वाई दैट इज वी एक्स वाई, ये इसके बराबर होगा। चलो वैल्यू पुट अप कर दें, वी एक्स वाई कितना है 4 वोल्ट इक्वल टू वी एक्स, हमको नहीं मालूम तो यहां पर लिखेंगे वी एक्स माइनस वी वाई, हमको मालूम पड़ गया है क्योंकि हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट का है, तो वी भी वाई भी 3 वोल्ट पर होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया 3, ठीक। ये बराबर हो गया हमारा वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 वोल्ट, ठीक। अब हमको यहां पर 7 वोल्ट मिल गया, इसका मतलब क्या है कि वी ए पर भी 7 वोल्ट होगा, सो दैट वी ए इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। अब आ जाइए आप इस पर एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, तो वी एक्स डैश वाई डैश यानी कि पोटेंशियल इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वी एक्स डैश माइनस वी वाई डैश, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने ये नेगेटिव टर्मिनल 0 पर माना हुआ है, तो x डैश तो 0 पर हो जाएगा, x डैश पर पोटेंशियल 0 पर होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको अभी पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लें, तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस x डैश और y डैश के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, और करंट यही वाली फ्लो हो रही है, ये बैटरी को चार्ज करती सेल को चार्ज करती हुई आगे निकल रही है, तो इसमें भी करंट जो है 2 एम्पियर की ही फ्लो होगी, तो 2 इंटू 1 कर दिया हमने, ये बराबर हो गया 2 वोल्ट। अब हमने वी एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू लिख दिया वी एक्स डैश माइनस वी वाई डैश, ठीक है बच्चों। अब वी एक्स डैश वाई डैश हमको 2 वोल्ट निकल के आ गया, ये हमने लिख दिया यहां पर 2 वोल्ट, ये बराबर हो गया वी एक्स डैश हमारा 0 पर होगा, तो यहां पर हमने 0 लिख दिया, माइनस वी वाई, वी वाई हमारा कितना है 2 वोल्ट का, तो यहां पर हमने लिख दिया 2 वोल्ट, नहीं वी वाई तो हमको निकालना है, वी वाई तो हम यहां पर निकालेंगे, ये 2 वोल्ट तो ये वी एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है, तो ये यहां पर वी वाई डैश हमको निकालना, तो वी वाई डैश कितने के बराबर हो जाएगा, वी वाई डैश इक्वल हो जाएगा माइनस 2 वोल्ट के। अब जब यहां वाई डैश पर माइनस 2 वोल्ट होगा, तो यही वोल्टेज पोटेंशियल आपका बी पर होगा, सो दैट वी बी इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। अब हमको ए पर पोटेंशियल मिल गया और बी पर पोटेंशियल मिल गया, ठीक। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे वी सो दैट वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा वी ए आपका कितना आया है 7 वोल्ट, तो यहां पर 7 लिख दीजिए, माइनस वी बी हमारा कितना आया माइनस 2 वोल्ट, ये बराबर हो गया कितना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक।
अब इसको आप पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, हालांकि आसान है लेकिन वो बच्चे जिनको इसकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए है कि इसमें क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे ये पूछे कि भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक, ए बी सी और डी, यानी ए बी के बीच में पोटेंशियल क्या है, ठीक है, वो आपको कैसे आप निकालेंगे, बी और सी के बीच में पोटेंशियल क्या है, सी और डी के बीच में पोटेंशियल क्या है, या आपको जब आप ये निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, बी पर क्या है, सी पर क्या है और डी पर क्या है। ठीक है, हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए बैटरी आपकी लग रही है 12 वोल्ट की, यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो R टोटल क्या हो जाएगा, आपका सीरीज में लग रहा है तो 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6 ओम। R टोटल क्या हो गया, 6 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो फ्लो होने वाली करंट क्या होगी आपकी, 12 V/I, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V/I होगा, करंट, तो V=IR, तो I=V/R, तो V/R करेंगे, R इसका टोटल कितना है 6 ओम, यहां पर 6 रख दिया, ये बराबर हो गया 2 एम्पियर। कहने का मतलब इस बैटरी से 2 एम्पियर की करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में से होके फ्लो होगी। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हमारा 12 वोल्ट पर है और नेगेटिव हमारा 0 वोल्ट पर है, तो जब पॉजिटिव 12 वोल्ट पर होगा तो ए पॉइंट पर 12 वोल्ट आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल हमारा 0 वोल्ट का होगा तो डी पॉइंट हमारा 0 पोटेंशियल पर होगा, तो ए और डी का तो पोटेंशियल हमको पता चल गया, ए हमारा है कितना 12 वोल्ट पर और डी हमारा है 0 पर। अब ये चीज देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मजा आएगा ये कैसे प्रूव करते हैं हम। चलिए वी ए बी पहले हम निकालते हैं, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए बी ये बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब वी ए और बी, वी ए बी इसके लिए क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट हमारी 2 एम्पियर की बह रही है और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 1 ओम का, तो इसके अक्रॉस वी ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वी ए बी इक्वल हो जाएगा आपका करंट 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 1, ये बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस हमको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो वी ए बी की जगह हम 2 वोल्ट रख देंगे, तो चलो रख दिया हमने वी ए बी की जगह, हमने क्या रख दिया 2 वोल्ट, इक्वल टू वी ए हमारा कितने पर है भैया 12 वोल्ट पर है, तो वी ए को हमने रख दिया यहां पर 12, हमने ये लॉजिक लगाया था कि यहां पर 12 होगा और यहां पर 0 होगा तो ये पोटेंशियल यहां पर पहुंचेगा, माइनस वी बी। ठीक, वी बी हमको नहीं मालूम कितने का होगा, माइनस वी बी, अब वी बी को इधर ले आएंगे तो सो दैट वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 2, ये बराबर हो गया 10 वोल्ट। ठीक, तो वी बी इक्वल टू 10 वोल्ट, ये हमको पता चल गया भैया कि वी बी हमारा 10 वोल्ट, बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट
और ए पर कितना होगा 12 वोल्ट। ठीक, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारा आ गया 12 और ये हमारा हो गया 10। अब आ जाइए आप इस 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो वी बी सी इक्वल हो जाएगा आपका कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट हमारी 2 एम्पियर की है, 2 × 2 दैट इज 4 वोल्ट। तो अब हम यहां पर लिख देंगे वी बी सी इक्वल टू क्या होगा, वी बी माइनस वी सी। वी बी सी हमको 4 वोल्ट दिया हुआ है, वी बी हमारा 10 पर है, ये हम निकाल चुके पहले, यहां पर 10 रख दीजिए, माइनस वी सी। तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 − 4, तो वी सी इक्वल टू क्या हो गया 6 वोल्ट। अब सी पर भी पोटेंशियल हमको मिल गया, यहां पर मैं लिख देता हूं 6 वोल्ट। ठीक है, तो ए पर हो गया 12 वोल्ट, बी पर हो गया 10 वोल्ट और सी पर हो गया 6 वोल्ट। अब आती है बात डी पॉइंट की। जैसा कि मैंने कहा था कि इसको अगर हम 0 वोल्ट मानते हैं तो डी पॉइंट पर कितना आना चाहिए, 0 वोल्ट आना चाहिए। अब देखिए डी पॉइंट पर कैसे आएगा, तो 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, वी सी डी इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट 2 एम्पियर है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 3, ये बराबर हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, अब हम वी सी डी निकालें तो क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी डी, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 6 वोल्ट, और वी सी हमको कितना निकला है 6 वोल्ट माइनस वी डी, तो वी डी इक्वल हो जाएगा आपका 6 − 6 दैट इज 0। तो वी डी हमारा कितने पोटेंशियल पर आ गया, 0 पोटेंशियल पर, है ना इंटरेस्टिंग। अब इन 2 जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हर 2 पॉइंट पर आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन छोड़ के बोर्ड में मत आइएगा, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल व्हिच गिव ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम। ओके, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये एक सेल है जिस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस जो अलग से दिखा दिया है, सेल में ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो दिखाई तो देता नहीं है लगा हुआ अलग से, लेकिन सेल में रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, जो फुली चार्ज सेल होगा उसमें तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता जाता है वो उसका कारण, सेल के डिस्चार्ज होने का कारण ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड वगैरह में खराबी आने लगती है और जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होता है वो भी कंसंट्रेट होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मैंने अलग से दिखा दिया। तो ये पूरा एक कंबाइंड जो है, ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो। ठीक है, ये 0.2 एम्पियर की करंट इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, और इसका इस वक्त ईएमएफ जो है वो 2.1 वोल्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अब यहां पर हम वी नहीं लिखेंगे, ईएमएफ की बात हो रही है तो ई ही लिखेंगे। ईएमएफ इक्वल होता है आपका किसके बराबर होता है, आई इंटू आर के।
ठीक है, आई इंटू आर, ठीक। तो करंट की बात पूछ रहा है हमसे, इंटरनल रेजिस्टेंस कि इतना करंट फ्लो होने के लिए, तो करंट आई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन आर। ये आर क्या है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये तो ओम्स लॉ को मैं लिख रहा हूं ना, ओम्स लॉ में ये जो आर है ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। अब यहां पर टोटल रेजिस्टेंस आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो तो सर्किट आप ड्रॉ करिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह जो लग रही है उनके साथ इस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इन्फ्लुएंस होगा। अब वो आप दिमाग से देखिएगा कि वो पैरेलल में बनेगा किसी के साथ, सीरीज में किसके साथ क्या बनता है। तो अमूमन इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसके साथ सीरीज में ही कनेक्ट हो जाता है, पैरेलल में कभी नहीं होता। अभी यहां पर एक ही रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहां पर दो रेजिस्टेंस होती या तीन रेजिस्टेंस, मिक्स कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ सीरीज बनाते हैं कुछ पैरेलल बनाते, तो उन सारे का कंबाइंड हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, पूरे का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है, तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर आर की जगह क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को, आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, हो गया। अब देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस आई स्मॉल आर जो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बराबर हो जाएगा आपके ईएमएफ के। अब इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, वैल्यू क्या, आई कितनी दिया हुआ है हमको 0.2 एम्पियर, तो 0.2 इंटू आर कितना है 10, तो यहां पर 10 लिख दीजिए प्लस 0.2 इंटू, हमको यही तो निकालना है स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये एज इट इज आ जाएगा, और 2.1 वोल्ट ईएमएफ कितना दिया हुआ है 2.1 वोल्ट, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 प्लस 0.2 आर इक्वल टू 2.1, ठीक है। अब ये 2 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.2 आर इक्वल क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, तो आर इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.5 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया, ठीक। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको मैंने लॉजिक बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन मैंने इसी ले लिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट में किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से समझेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज के टोटल रेजिस्टेंस के साथ, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, और फिर हम इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप पॉज करिए और नोट कर लीजिए।